दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। चंबा के सलूनी में खाई में जा समाई कार, एक की मौत, तीन सवार जख्मी। नगर निगम चुनाव पर कांग्रेस का मंथन, जिताऊ उम्मीदवारों के नामों पर की चर्चा। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडेय ने कदमों से नापा जोगिंद्र नगर ITI कैंपस। कायाकल्प की टीम ने परखी सिविल अस्पताल में जनता को दी जा रही सुविधाएं। अरब समाचार विस्तार से। जिला चंबा के पुलिस थाना चुवाड़ी के तहत एक कार हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति महिला तथा बच्चा घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लहड़ू से तुनुहट्टी की ओर जाती हुई कार शनिवार रात को करीब 12 बजे ककीरा बस अड्डा के समीप 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति ने मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे में घायल तीन लोगों को नूरपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान भद्रम निवासी आबिद बारी पुत्र अब्दुल के रूप में हुई है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। ये ककेरा के स्थानीय निवासी है, जिनके घर के पास ही एक्सीडेंट हुआ। रतन जैन जी से इनसे पूछना चाहते हैं, सर ये आपने कितने बजे करीब एक्सीडेंट हुआ? सर ये 12:30 के करीब हुआ एक्सीडेंट। तो आपको कैसा पता चला? सर आवाज आई जोर से, जैसे कोई मान लो कोई ऊपर से, ये साथ है बिल्डिंग है, मैंने सोचा कि जगह स्लाइड हो रही है, मैंने सोचा कोई शटरिंग का सामान फेंक रहा कि क्या हुआ। सर जैसे मैं दरवाजा खोल के बाहर निकला तो लाइट जलाई बाहर के बरामदे की, तो देखा तो मैंने ऊपर से कोई नहीं आवाज थी, जब मेरे जो घर के रास्ता उधर से देखा तो उधर लाइट्स दिखाई दी मेरे को। मैंने सोचा कि गाड़ी एक्सीडेंट होगी, कोई सीमेंट की गाड़ी, वो आती जाती रहती है रात को नाइट में, मैंने सोचा वो सीमेंट की गाड़ी। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जो आसपास के पड़ोसी थे बेचारे वो भी उठ गए। उठने के बाद फिर हमने आवाज़ आई तो देखा तो गाड़ी में एक बुजुर्ग औरत फंसी हुई थी, एक उनके साथ जो बेटा था वो गाड़ी के बाहर था, दो डेड बॉडी, एक डेड बॉडी ऊपर पड़ी हुई थी और उसके साथ 10 साल का बच्चा था। अच्छा अच्छा, वो सीरियस था बच्चा। कितने लोग थे इस गाड़ी में? गाड़ी में सर 4 लोग थे। अच्छा, तीन आदमी थे और एक औरत थी। जो बंदा डेड हो चुका तो वो गाड़ी के अंदर ही था? नहीं नहीं सर, वो आधे रास्ते में गिर गया था ऊपर गाड़ी में। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों ने किसको सूचित किया फिर? फिर हमने थाना प्रभारी SI को फोन किया, ऊपर उन्होंने जो हमारे गवांडी। प्रदेश के 4 नगर निगम में होने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति ने रविवार को मंथन किया। पार्टी कार्यालय में अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में चुनाव मैदान में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने जिन प्रभारियों को नगर निगम चुनावों की जिम्मेदारी दी है वे सभी यहां मौजूद थे, जिन्होंने जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस सोमवार तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है, जिसकी सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। जोगिंद्रनगर ITI में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडेय ने रविवार को दौरा किया और जोगिंद्रनगर के डोहक स्थित ITI की कार्यप्रणाली का पूरा ब्यौरा भी मंत्री ने लिया। जहां ITI परिसर को मंत्री ने अपने कदमों से मापा, वहीं अन्य योजनाओं का लेखा जोखा भी जांचा और स्टाफ के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने ITI मुखिया को कहा कि इस ITI में उन्होंने एडमिशन के लिए 3 बार डेट्स को बढ़ाया, बावजूद इसके वे ITI की सीटों को भरने में असमर्थ रहे। वहीं प्रिंसिपल ने कहा कि यह ITI प्रदेश की नंबर 1 ITI है, जिसकी रैंकिंग 5 में 3.5 है। इस पर मंत्री ने सबको बधाई भी दी। कायाकल्प की टीम अभी हाल ही में सिविल अस्पताल सुंदरनगर का दौरा करके चली गई है और तमाम दस्तावेज जुटाकर मसौदा तैयार कर दिया है। इसे आगामी कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किया जाएगा। गौर रहे कि गत वर्ष भी कायाकल्प योजना के तहत सिविल अस्पताल सुंदरनगर को हिमाचल प्रदेश में 3रा पुरस्कार मिला था और अब इस वर्ष दोबारा से कायाकल्प की टीम ने अस्पताल का दौरा किया है। इस संदर्भ में सिविल अस्पताल सुंदरनगर के प्रभारी डॉक्टर चमन सिंह ठाकुर का कहना है कि टीम दौरा करके चली गई है और टीम के सदस्य अस्पताल में आप जनता को मुहैया करवाई जा रही सुविधाओं से काफी संतुष्ट दिखे हैं। कायाकल्प का हमारा जो एक्सटर्नल असेसमेंट इस बार जो हुआ उसके लिए हमारे 3 मेंबर्स थे, जिसमें से डॉक्टर कल्पना शर्मा और डॉक्टर सुरेंद्र निखिल गुप्ता जी और डॉक्टर विश्वचंद्र। तो
इन सब लोगों ने 15 तारीख को हमारे हॉस्पिटल का पूरा निरीक्षण किया और जो एक्सटर्नल असेसमेंट इन्होंने किया है, और इस बार कुल मिलाकर के हम लोगों ने तो अच्छा मेहनत किए हैं। सब लोगों ने अच्छी साफ सफाई रखी और सारी चीज़ों में, बाकी तो ये कंपटीशन की बात है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, ये तो डिपेंड करेगा कि भाई हमारे और इंस्टीट्यूशन ने भी कैसा काम किया है। इस बार बेहतरी के लिए क्या क्या नया किया गया हॉस्पिटल में जी? इस बार इनोवेशन नई जो है हमारा, एक तो हमने जैसे ग्लो साइन बोर्ड, जैसे हमने बाहर एंट्रेंस पे एक जो हमारा हॉस्पिटल का जो मतलब बोर्ड है वो ग्लो करता है, रात को चमकता है, वो चीज़ें हैं। और बाकी कुछ एक एडिशन हमने लैब का भी कुछ ऑल्ट्रेशन करी है, और भी कई जगह में मतलब हमने और ऑल्ट्रेशन करी है। किस तरह से देखते हैं आप, क्या क्या नज़रिया है आप, किस तरह से, जैसे हर काम में परफेक्ट है आप सिविल अस्पताल सुंदरनगर, तो रैंकिंग में किस तरह से नज़रिया रहेगा आपका? देखिए, रैंकिंग के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये एक कॉम्पिटिशन की बात है। अगर और इंस्टीट्यूशन कैसे करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश ठीक किए हैं, कोशिश किए हैं, तो बाकी तो डिपेंड करेगा कि भी बाकी और इंस्टीट्यूशन को भी जब लोग ये करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली। वर्तमान में सर स्टाफ पूरा है, फिर डॉक्टरों की बात हो, स्टाफ नर्स की हो, वार्ड नर्स की हो, हर तरह का मतलब चकाचक व्यवस्था है अस्पताल की, तो किस तरह से क्या आपका क्या रहेंगे आगे के लिए जी? अभी बाकी ये तो आप ठीक बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ इस वक्त मकूल हैं, जितना चाहिए हमें। पर जो इस वक्त थोड़ा सा हमारे को दिक्कत आई थोड़ी सी, कि एक तो ये है कि भी हमारा जो कुछ एक तो एडिशन का काम चला हुआ, जैसे सेकंड फ्लोर का हमारा डी ब्लॉक का काम चला हुआ है, और हमारे हरजी वार्ड का काम चला हुआ है, उसकी रिनोवेशन का काम चला हुआ है। इनकी वजह से थोड़ा मतलब हमारे कैंपस के अंदर जो इनका जो मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ था, उसकी वजह से उतनी साफ सफाई मतलब हम उस तरीके से नहीं कर पाए जितनी होनी चाहिए थी। हमने उनको बताया भी कि भाई ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि रिनोवेशन चल रही है, दूसरा यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भराड़ी में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए बनाए गए सेंटर में कोविड 19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा ली गई। स्कूल प्रधानाचार्य कुलदीप डोगरा ने बताया कि परीक्षा केंद्र में 400 के लगभग परीक्षार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि परीक्षा से पूर्व स्कूल प्रशासन द्वारा समस्त कमरों को सैनिटाइज किया गया था, इसके बाद ही हर परीक्षार्थी की थर्मल स्कैनिंग की गई। स्कूल में कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण ध्यान रखा गया और सामाजिक दूरी की पालना करते हुए परीक्षार्थियों को बिठाया गया।